This movie is encoded by Dr. Star. द्रविड़ के लोगों की जिंदगी हमेशा से ही समुन्दर पर टिकी रही है। यदि उत्तर में गंगा लोगों की जीवन रेखा बनी तो दक्षिण में समुन्दर लोगों की जीवन नैया पार करता रहा। हजारों सालों से यहाँ के शासक समुन्दर के छोर का पता लगाने का प्रयास करते रहे। उसी तरह से बाहर के शासक भी हमारे दक्षिण एशिया के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए बार बार यहाँ आते रहे। उन लोगों ने द्रविड़ों की कलाओं और संस्कृति को अपने ग्रंथों में लिख लिया और ऐसे ही हजारों साल पहले दक्षिण एशिया से निकले एक महावंश की कहानी सुनाई जाएगी। वो महावंश कई महीनों की यात्रा के बाद एक नए प्रदेश में पहुंचा, लेकिन वहां पर उनका स्वागत वहां के लोगों ने यानी गरुण लोगों ने धनुष बाण से किया। ये लोग न सिर्फ शक्तिशाली थे बल्कि कई तरह के जादू टोनों एवं अलौकिक शक्तियों के स्वामी भी थे। लेकिन मारन महावंश ने इन गरुण लोगों से लोहा लिया और बहुत जल्द ही उन सब को खत्म कर दिया। यहां से शुरू हुआ इस महावंश का इतिहास। इस कथा के शुरुआत में जिस इंसान को सबसे ज्यादा खुश किया वो था रोम बोरिया का शासक। इन लोगों ने निर्णय लिया कि ये चीन के शाही खानदान के साथ अपना संबंध बनाएंगे और ये खबर उन तक पहुंचाई जाए। जल्द ही ये खबर चीन के राजा तक पहुंच गई। चीन के शासक को इस बात से कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने रोम बोरिया के राजा के बेटे से अपनी बेटी का विवाह पक्का कर दिया। साथ में ये शर्त रखी गई कि ये विवाह उस देश में संपन्न होगा जिस देश का कोई शासक नहीं होगा। और फिर चीन के लोग निकल पड़े उस देश को ढूंढने जिस देश का कोई शासक न हो। समुन्द्र की ओर से यात्रा करते हुए रोम के सिपाही समुद्र की तूफानी हवाओं से लड़ते भिड़ते किसी तरह से आगे बढ़ते रहे। रास्ते में काफी लोग मारे गए और साथ में उनके राजा की भी मृत्यु हो गई। जो लोग बचे वो भारत के गोवा में पहुंचे। अगर यह शादी नहीं होती तो चीनी लोग क्रोधित हो जाते और उन्हें नियंत्रण में करना मुश्किल हो जाता। इसी डर से रोमन बोरिया के लोग गोवा के लोगों से मदद मांगने के लिए निकल पड़े। हमारे लगभग आधे से ज्यादा सिपाहियों की मौत हो चुकी है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। एक जहाज और थोड़े बहुत सिपाही मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम अपने राजकुमार की मंगेतर को देखने जा सकते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, कहीं और जाते तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता था। मेरे पास जहाज भी है और कुछ लोग भी हैं। आप लोग द्वीप जा सकते हो, लेकिन समस्या कुछ और है। आप लोग जहाँ जाने वाले हैं उसके आस पास के लोग बहुत खूंखार और शैतान लोग हैं और वहाँ समुद्री लुटेरे भी हैं। आप कुछ ही लोग बचे हैं तो इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? यहीं पे काम निपटा लीजिए ना। फ्रेंच के मुताबिक चीनी लोग इसे इनकार नहीं कर रहे हैं तो हमें भी यही मानना पड़ेगा। और सच तो यह है कि वो जगह हमारे लिए भी मुख्य है और चीन के लिए भी यह जगह व्यावसायिक है। इसलिए केवल राजा ही नहीं, उस देश के लोग और हमारे देश के लोग मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी बात सही है, आपके देश के लिए जहाज और सिपाही मैं दूंगा और ये मदद सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन बदले में आप लोग कितना दोगे? जो हमारी मदद करेगा उसे हम बढ़िया इनाम देंगे। अच्छी बात है, आप लोग हमें इनाम देंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को 100 लोग दूंगा और एक ऐसा सेनापति दूंगा जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। राजकुमार अपनी मंगेतर से मिल सके इसके लिए हमारे सिपाही अपनी जान भी दे देंगे। आपका धन्यवाद, इनाम के लिए इंतजार करना होगा। संदेशवाहक रोमन सिपाहियों को लेने गए हैं, साथ में खजाना भी लेकर लौटेंगे। हम साथ में जो सोना लेकर चले थे समुद्र में आए तूफान में डूब गया। तब तो ये बहुत मुश्किल है। जब तक आप इनाम नहीं देंगे सेना और जहाज लेकर नहीं जा सकते हैं। अब आप कैसे भी जाओ उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं। अगर आप अचानक बदल जाएंगे तो कैसे चलेगा? आपने रोम की इज्जत रखी और रोम ने आपकी इज्जत, क्या इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा? हमने जो बात तय की थी उसका 10 गुना ज्यादा दूंगा आपको।
क्या तुम उसे 20 कर सकते हो? वहाँ क्या चल रहा है? बाहर चल के पता करते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो जल्दी चलो। नहीं, आप मत जाइए, हमें नहीं लगता आपका जाना मुनासिब है। हमें अपनी परेशानियों का हल यहाँ तो नहीं मिला, हो सकता है उस झगड़े में हमें कुछ हासिल हो जाए। हाँ, राजकुमार की बात में दम तो है, चलो वहाँ चल कर देखते हैं। शायद वहाँ पर आपको द्वीप ले जाने वाला मिल जाए। हमें जिसकी तलाश है वो ये महावीर भी हो सकता है। हाँ, ये महावीर तो है, लेकिन इसे शराबी बोलना ज्यादा ठीक होगा। परेशानी बातचीत से खत्म होती है, लेकिन ये परेशानी खत्म करने के बाद बातचीत करता है। लोग कहते हैं कि ये यहाँ का नाम खराब करने के लिए पैदा हुआ है। इसे देखकर लगता है कोई मामूली लड़ाकू है, इनके बीच मुकाबला होगा क्या? लाइसिस, यहाँ की राजनीति ऐसे ही की जाती है। राजनीति? वहाँ वो खूबसूरत लड़की दिख रही है, उस लड़की का नाम है यशोदा, और लड़ाई करने के लिए जो तैयार है सुंदर, वो उसका भाई है। ये बाहर देश के किसी लड़के के साथ भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन चोरी पकड़ी गई। ओ, इसे सजा देने वाले हो? नहीं नहीं, सजा नहीं, उसके प्रेमी को जानबूझकर लड़ाई में उतारा जाएगा, ताकि जो बची खुची लड़की की इज्जत है वो भी खराब हो जाए, और वो जैसे जैसे मार खाएगा लड़की की इज्जत। यही है क्या वो आशिक? ये तो मार खाने वालों में से लग रहा है। पिछले 20 सालों से यह जहाज में सफर करता आया है, ये पुगु मार का वासी है। लेकिन जब लड़की से पूछा गया कि इसकी असलियत क्या है, तो उसने हम सबको बताया कि ये अलेक्जेंडर के खानदान का है। अगर ये पुगु मार का है तो इसके पास जहाज भी होना चाहिए। उसे ही गिरवी रख के तो लड़की को पटाया। ये तो गया। लड़कियों का लिबास क्यों पहना इसके पास इतनी ताकत है, इसका नाम क्या है? वैसे तो इसके बहुत सारे नाम है, शहनशाह, खिलाड़ी, फंदेबाज, बादशाह, लेकिन इसका असली नाम मारन महावंशम है।
हमारे साथ द्वीप पर जाने के लिए ये बिल्कुल सही है। आपका फैसला गलत साबित हो सकता है, ये हमारे किसी काम नहीं आने वाला। हाँ, ये तो यहाँ का कैदी है, हमारे यहाँ की लड़की का नाम खराब किया इसीलिए इसे कैद किया गया है। अरे गोवा वालों को ड्राविडियंस की ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं है, हम लोगों को इसे एक मौका देना चाहिए, क्योंकि हमें इसे देखकर नहीं लगता इसे सोने का लालच होगा। इसकी जरूरत नहीं है, लोग तो उसकी गर्दन काटने वाले हैं। हमारे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। रुको, रुक जाइए, रुकिए, रुक जाइए, अगर आप लोग नहीं रुके तो रोम और गोवा की दोस्ती टूट जाएगी। सुनो, जाओ 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 सब लोग, अब इसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। आपको भी साथ में रहना है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, आज ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया। इसका मतलब तुम अपने आप को ईश्वर समझ रहे हो, ठीक है, बचाने के लिए आपका धन्यवाद। अब जब इतना एहसान कर दिया है तो हाथ खोलने की मेहरबानी भी कर दीजिए, और ना जाने कितने दिन गोवा के कैद खाने में रहकर सड़ने वाला हूँ। कैसे भी करके मुझे ये गाँव छोड़कर दूर जाना। इस गाँव को छोड़कर तू अब कहाँ जाएगा? जहाँ तुम जैसे लोग नहीं होंगे वहीं पर चला जाऊंगा, पता नहीं और कितने दिन तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो तू यहाँ से भाग जाएगा? हाँ भाग ही जाऊंगा, और तुम मेरी मदद करोगे। तो तू ये सोच रहा है कि मैं तेरी मदद करूंगा? ठीक है, चल मैं भी तैयार हो गया, चीन जाएगा से वहीं पर नागासाकी पर्शिया। क्या फायदा, वो लोग पहले ही वहाँ से दौड़ा कर यहाँ तक लाए हैं, वो कम है क्या? बात तो तेरी सही है, इजिप्ट ग्रीक या रोम देश तक चला जाऊंगा। दुनिया में जहाँ भी समंदर है वहाँ की हर लहर पर मारन का नाम होना चाहिए, और मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या? ठीक है, मुझे क्या, लेकिन तेरा वक्त सही चल रहा है, तू रोम जाने का सपना देख रहा है और रोम वाले तुझे ले जाना चाहते हैं। हम है लाइसियस, हम रोम से कुछ जरूरी काम के लिए यहाँ आए हैं, यह है हमारे राजकुमार मार्कस, ये चीन की राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। ये तो खुशी की बात है, रोम और चीन के संबंध बन जाए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। जरा मेरे हाथों की जंजीर खोल देंगे, तकलीफ हो रही है। हमारी मदद करोगे तो तुम्हें सिर्फ फायदा होगा। वहाँ चीन मुझे शराब दे रहा है और तुम यहाँ फायदे की बात कर रहे हो, दोबारा झंझट में पड़ने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ। मारन महावंशम, यहाँ से बाहर निकलने का अच्छा रास्ता मिल रहा है, पूरे समुद्र को जानने वाले को ये ढूंढ रहे हैं। तेरी मौत तेरी आंखों के सामने से निकल गई, इन लोगों ने तुझे बचाया है, ये लोग जो काम दे रहे हैं वो कर ले, ये तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। समझ ले कि भगवान कृष्ण तेरी मदद कर रहे हैं, मान जा नहीं तो मैं ही तुझे मार दूंगा। रोम की मदद की तो तुम हमारे देश में आजादी से जी सकते हो, उसके अलावा हम तुम्हें इतना सोना देंगे कि तुम एक नया जहाज भी खरीद सकोगे। रोम से हमारी सेना सोना लेकर के आ रही है, तुम्हें जितने चाहिए मिल जाएंगे। सच में, अगर तुम सोना चांदी दे रहे हो तो इस काम के लिए कोई भी राजी हो जाएगा, इस महावंशम को तुम खरीद नहीं सकते, समझे? बाकी सब छोड़, तुझे यहाँ के लोग जीते जी मारने वाले थे, इन्होंने बचाया, कम से कम इनका एहसान तो लौटा दे। तुम्हें राजकुमार के साथ रहकर उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके ऊपर दुश्मनों का साया भी नहीं पड़ने देना चाहिए। हमारी भाषा में इसे हिंसा नहीं कहा जाता, बल्कि ये राजा की रक्षा के लिए। मुझे गुस्सा मत दिला। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो रोमन लोगों के साथ जा, या तो यहाँ के लोगों के हाथों अपना सर कटवा। बिना पूछे जहाज की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। ए, ये मेरा खाना है, इस पे बुरी नजर मत डाल। सुनो, उस पर नजर रखना। हर जगह इसे साथ लेकर जाते हो क्या? क्या है ये? क्या ये? मेरे पिताजी ने मुझे तोहफे में दिया था, और ये सुई तुम्हारी माँ ने तुम्हें दी थी क्या? ये सोचकर कि लड़ते वक्त तुम्हारे ये लड़कियों वाले कपड़े फट जाए तो सिलाई के लिए काम आएगी। हाँ, इस सुई से सबसे पहले तुम्हारी जुबान सी दूंगा, समझे क्या? सच बताओ उसके अंदर क्या है। ग्रीक देश के एक बड़े स्वामी ने यह चीज मेरे पिताजी को संभाल के रखने के लिए दी थी। इसमें मंत्र भी हो सकता है और तंत्र भी हो सकता है। इसे बहुत ही संभाल कर रखने के लिए बोला है, मेरी माँ के बाद से ये मेरे पास ही है।
वो गुजर गई क्या? हाँ। कैसे? ये बताना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? इसे ताबीज बनाकर पहनने वाला है क्या? तू अपनी होने वाली मंगेतर से मिलने जा रहा है ना, वहां पता चलेगा ये क्या चीज है। तुम्हारा घर कहाँ है? जिसका घर है उसका सिर्फ एक ही ठिकाना है, जिसके पास घर नहीं पूरा संसार उसका घर है। खुद को जाबाज समझते हो? हमारा खानदान ही ऐसा है। तुम लोगों से झूठ क्यों बोलते हो कि तुम अलेक्जेंडर के खानदान से हो? अब भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग मानते क्यों नहीं कि मैं अलेक्जेंडर के खानदान का ही खून हूं? तुम्हारे देश में कोई महावीर है तो उसे मेरे सामने भेजो। ए, खाने पर बुरी नजर मत डालना, बोला था ना समंदर में फेंक दूंगा तुझे। अलेक्जेंडर जैसी ताकत तुम्हारे पास भी है? अच्छा वह लेसिस यहाँ पर नहीं है, तुमसे एक जरूरी बात पूछनी थी, पूछ सकता हूँ? क्या है वो बात? हम अभी एक राजकुमारी से शादी करने जा रहे हैं। हाँ। और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो हमारे बारे में क्या सोचती है, हम उसे कैसे अपनाएंगे। हम एक राजकुमार हैं लेकिन हम तुम्हारी तरह आजाद रहना चाहते हैं, जो कभी नहीं होगा। प्यार वो भी राजाओं के खानदान में? जब तुम्हारी शादी होगी ना तब प्यार का नामो निशान नहीं रहेगा। हाँ, राजाओं को कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकता क्या? वैसे चीन की औरतों के बारे में और उनके प्यार करने के तरीके के बारे में हम रोमन्स भी थोड़ा बहुत जानते हैं। सच्चे प्यार के लिए तड़प रहे हो क्या? अच्छी बात है, दिन और समय बीतने के साथ ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, सारा आसमान एक साथ हो जाएगा, तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने ही मारे जाएंगे। ये कोई कविता है क्या? मैं छोटा था तब मेरी माँ बार बार मुझसे ये कहा करती थी। और इसका मतलब? मुझे नहीं पता, इसका मतलब मैं भी बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं। मुझे लग रहा है तुम्हारी होने वाली शादी से मेरा कुछ तो संबंध है। मेरी माँ मुझसे बार बार कहती थी कि तू निडर है, इसीलिए तो मौत सामने खड़ी होने के बावजूद भी मैं नहीं डरता। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, अगर मेरी मां मुझे मिल जाएगी ना तो मैं कुछ भी करूंगा और किसी भी हद तक चला जाऊंगा। ये होता है सच्चा प्यार, वो जब तुम्हें हो जाएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से प्यार की कोई हद नहीं होती और प्यार में सब जायज है? कैप्टन से कहिए कि जहाज को और तेजी से चलाएं, क्योंकि हमें जहां पहुंचना है अगर हम वहां जल्दी नहीं पहुंचे तो अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी जी, आप कहीं राजकुमार के ख्यालों में तो नहीं खोई हुई हो? मेरे हिसाब से वो एक अच्छा रोमन होना चाहिए जो मुझसे बेइंतहा प्यार करे, पर आजकल ऐसे लड़के बहुत कम ही मिलते हैं। आप किसी बात से परेशान मत होइए राजकुमारी जी, जो भी कहानियां सुनी है आप उस पर विश्वास करने की गलती मत कीजिए। मैंने उनमें से एक को देखा है।
अच्छी खासी लंबाई, गठीला बदन, आपको क्या बताऊं, दूध जैसा गोरा था। वो काले पीले कोई भी रंग का हो, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे बस मेरी आजादी ना छीने। मेरी ख्वाहिश है कि मैं शादी के बाद भी एक आजाद परी की तरह रहूं, जहां मर्जी हो वहां जा सकूं, मन में आए वो करें और मुझे कोई न रोके। मैं बाकियों की तरह कमरे में बंद नहीं रहना चाहती हूँ। ये सपना टूटना नहीं चाहिए। तुम भागने में मेरी मदद करोगी? राजकुमारी जी, आपकी बातें सुनके मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप जैसा सोच रही वैसा नहीं होगा। तुम मेरी बहन की तरह हो, मेरी परेशानी सिर्फ तुम ही समझ सकती हो। तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? माफ कीजिए, मुझसे नहीं होगा। हमें जहाँ पहुँचना था हम पहुँच चुके हैं, और याद रखना ये जगह खतरे से खाली नहीं है। बहुत देर से अंदर बैठा था, सोचा बाहर आके थोड़ी ठंडी हवा खा लूं। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं है। ठीक होते ही मैं बुला लूंगा। इस जगह पर ऐसी एक बात है जो मैं तुम्हें बोल नहीं सकता। हमें यहाँ किससे खतरा है? समुद्री लुटेरे हैं या भयानक राक्षस है यहाँ? बोला था ना, राक्षसों की तरह ये समंदर के लुटेरे हैं। अभी तो मेरी बात मान लो, यहां पर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लगभग उस द्वीप के करीब हम लोग पहुंच ही चुके हैं। आखिरकार राजकुमार की यात्रा उस द्वीप के करीब पहुंच ही गई। यदि वे द्वीप पर पहुंचकर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं तो इस द्वीप का नाम पूरे विश्व में फैल जाएगा, और यदि यहां पर कोई शासक नहीं हुआ तो एक नई व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। शाबाश मारन, बहुत अच्छे। मैं जो चाहती हूँ उसे पाने में आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मैंने राजा को वचन दिया था कि मैं आपकी देखभाल करूंगा, पर आप जो मदद चाहती हैं वो मुझसे नहीं होगा। हो सके तो अपने इस सेवक को माफ कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस शादी के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। राजकुमारी जी, दक्षिण एशिया के राजकुमार यहाँ आ गए हैं। रोम की तरफ से यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों को बधाई हो। जो पहले आ रहे शायद वही हमारे राजकुमार हैं। ओह, जैसे सुना था बिल्कुल वैसे ही है। बहुत बड़े महावीर लगते हैं। इनकी जोड़ी आपके साथ बहुत अच्छी लगेगी राजकुमार। चुप करो इन्या, मैंने तुमसे कुछ पूछा है क्या? स्वागत है, मैं यहाँ का सेनापति लोही। राजकुमार को आप सुरक्षित लेकर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ साथ मुझे क्षमा भी कर दीजिए। एक ही जहाज लाने से आप लोग हमारे सामने छोटे नहीं हो गए। एक और बात, तुम चेहरे से रोमानिया नहीं लग रहे हो। देखिए, हमारे बहुत से जहाज डूब गए हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं रोमानिया नहीं हूँ, मैं अलग देश का वासी हूँ। आप लोग और रोमानी लोग दोनों का भी मिलाप बहुत सुरक्षित होना चाहिए, और उनके जीवन की रक्षा करने के लिए मैं एक रक्षक बनकर आया हूँ। रोमन से हमारी सारी सेना लाइसिस के साथ ही आ रही है, और मैं मारन महावंशम उनका विश्वासी। ओ, इनसे मिलिए, ये है
मार्कस कैप्रिनियस, रोम के सुंदर और बहादुर राजकुमार। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। ये तो बहुत छोटे हैं और इनकी सेहत भी बहुत कमजोर है। जोड़ी तो ठीक है, पर आप उनसे जरा बड़ी दिखेंगी। तुम जब इतना ही ध्यान दे रही हो तो एक काम करो, तुम ही शादी कर लो। अब चलो, रात में भागने का इंतजाम करना है। हमारी राजकुमारी यहीं पर है और वो भी सुरक्षा के साथ। आपको इतनी दूर आना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हमारी ये परंपरा है कि जिस देश में राजा नहीं है उसी देश में शादी होनी चाहिए और साथ ही अगले पूर्णिमा में शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि वही हमारी परंपरा है। जी, हम समझ गए। देखिए, ये जगह ज्यादा भयानक नहीं है। यहाँ पर महल और किले नहीं है तो क्या हुआ? खुला आसमान तो है, दुश्मनों का आना संभव नहीं है। पूर्णिमा में जैसा आपने मुझे कहा था कि अगर राजकुमार की शादी हो जाएगी तो मुझे सारी सेना मिलेगी। आप गलत ना समझे तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हम चीन था तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर दीजिएगा। वैसे राजकुमारी चाहता हूँ, हमें वहां से कोई देख रहा है। क्या कहा? कहा? उस बारे में सोचकर ज्यादा डरिए मत। वो इस जमीन के मालिक हो सकते हैं। कुछ भी परेशानी होगी तो उसे संभालने के लिए हम लोग हैं। राजकुमार के लिए शाही खातिरदारी की तैयारी की जाए। इस जगह के बारे में आपको जानते हो? इनको तो कुछ नहीं पता। मुझे मेरे पिताजी यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। वो एक मछली पकड़ने वाले व्यापारी थे। जब मैं छोटा था तो वो मुझे भी अपने साथ ले जाया करते थे। थोड़ी बहुत बातें मुझे याद हैं। शेर भले ही कितना भी भूखा क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को कभी नहीं खाता। उसी तरह पिताजी ने मेरी परवरिश की। तब मेरी उम्र 12 साल की थी। वैसे आपके चीन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे नहीं जानता। तो मारन है आप? आपका नाम बहुत सुना है, आप तो काफी मशहूर हैं। मारन के द्वारा हमारे यहाँ बहुत खलबली मच गई थी। इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारे साहस वाले काम किए हैं, जिसमें से एक ये भी है कि राजा की लड़की से अपने प्यार का इजहार करना, उस लड़की का दिल बदलना चाहा। इसीलिए हम ये नाम भूल ही नहीं सकते। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा कुछ कर गुजरने के लिए। वो शायद कोई और होगा। ऐसा काम तो मैं कतई नहीं कर सकता। मुझे चीन आए बस साल भर ही तो हो गया है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो मेरा मामा मदी मारन हो। राजकुमार, आप कहाँ चल दिए? हमें यहाँ बिठाकर आप उन विषयों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली है। आपके एक भी दुश्मन को मैं नहीं छोड़ूंगा और आपके सर का एक बाल भी मैं बांका नहीं होने दूंगा। हम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन तुम रात को सोते वक्त जरा सतर्क रहना। जिस तरह से तुम बातें कर रहे हो, लग रहा है सुबह तक मारे जाओगे। राजकुमार जी, आप जाकर अच्छे से सो जाइए। जब देखो बेकार के तेवर दिखाते रहते हैं। राजकुमारी जी, इस बोतल में जो जुगनू है वो हमें रास्ता दिखाएंगे। इससे देखकर कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। सोचा नहीं था तुम्हारे पास भी दिमाग होगा। दिमाग तो है मेरे पास, पर मुझे उसे कभी इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। क्या आप बताएंगी आप कहाँ जा रही हैं, क्या करने वाली हैं? बुद्ध के जन्म स्थान पर जाऊंगी और वहाँ जाकर लोगों की सेवा करूंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समंदर के उस पार हिंदुस्तान है, वहाँ जाऊंगी और वहाँ जाकर बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सीखूंगी। ये मैंने तय कर लिया है।
प्यारी राजकुमारी जी, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें कोई भी सुख सुविधा नहीं मिलेगी। हमें राजघराने के सारे सुख छोड़ने पड़ेंगे। बुद्ध भी एक राजघराने से ही थे। अपने तख्त और ताज को छोड़कर वो लोगों की सेवा करने चले गए। खुशी ऐशो आराम में नहीं बल्कि लोगों के दुख दूर करने में मिलती है। राजकुमारी जी, राजकुमार है, राजकुमार। क्या कहा? आप ही राजकुमारी है ना? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं महल की दासी हूँ। मेरा नाम इन्या है। मैं ही राजकुमारी हूँ। हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि हम कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहते थे। हाँ, अकेले रहना चाहते थे क्योंकि हमारी राजकुमारी वीराने में रहकर कविता लिखती है। कविता लिखने के लिए इस बोरी का क्या काम? इसमें खाने का सामान है। जब भी मैं कविता लिखती हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है। ऐसा नहीं है, इसके अंदर इनकी लिखी हुई सारी कविताएं हैं। अच्छा है, आप इसमें अपनी कविता लिखती हैं? हम जो भी करते हैं थोड़ा अलग करते हैं। मुझसे झूठ मत बोलो, कहानियां सुनने के लिए मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आप भागने वाली थी ना? वो क्या है कि आपको जब सच पता चला, रोम के लोगों को आपने क्या समझ रखा है? अपनी जान को दांव पर लगाकर समुद्री सांपों से बचकर सिर्फ आपके लिए यहाँ तक आया हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। देखिए ऐसा नहीं है, आप जो समझ रहे हैं वो बस भी कीजिए। आपको यहाँ से भागना है ना? तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जा सकती हैं। पर आपकी सुरक्षा के लिए मैं भी साथ आऊंगा। आप ही चलेंगे? चलो, अच्छा मेरी चिंता खत्म हो गई। ठीक है, आपके जो मन में आए कीजिए। हमारे देश की भाषा से आप वाकिफ हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह आती है। नई नई भाषाएं सीखना तो सबकी ख्वाहिश होती है। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं जो हमें नहीं आती हो। आपके देश की भाषा भी हम बोल सकते हैं। आप चाहें तो एक उदाहरण दूं? कापेतियम क्वांटम मिनिमम क्रेडेला हस्तेरो। ये तो होरस है, आप इसे भी समझती हैं? हमने आपके लिए यह भाषा सीखी है ताकि आप अपनी भाषा में हमारी बुराई ना करें। आपने अपनी दासी को भी सिखाया? बचपन से ही मैं राजकुमारी के साथ हूँ और शादी के बाद भी हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। ठीक से सोच लो, अगर ये दासी राजकुमारी के साथ नहीं हो तो हो सकता है ये शादी भी ना हो। ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा। अगर इस राजकुमार की शादी तुम्हारी राजकुमारी से हो जाती है तो ये दासी भी हमारे साथ रह सकती है। राजकुमार जी, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी बातों से नाराजगी झलक रही है। नाराजगी दिखाने वाली मैं कौन हूँ? मैं तो एक साधारण सी दासी हूँ। आपकी राजकुमारी को क्या पसंद है मुझे बताइए तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। अगर राजकुमारी को भागना पसंद है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हमारी राजकुमारी की तकदीर के बारे में सोचकर बुरा लग रहा है। उन्होंने जिस राजकुमार के सपने देखे थे वो मिलता तो अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है कि उनके सपने चूर चूर हो जाएंगे। क्या मतलब? आपको तो चीन की राजकुमारी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके महल में तो और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, और ये कम पड़े तो ग्रीक देश से और पर्शिया देश से मंगवा सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो इन्हें छोड़कर आप दूर क्यों जा रहे हैं? मतलब मुझे छोड़ के? हे, यहाँ से भागने की इच्छा आपकी थी मेरी नहीं, और साथ में लिया इस चिनिया को। चिनिया नहीं, हाँ, इन्या, इन्या। और आप लोग यहाँ से भाग रहे हैं, इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि राजकुमारी ने पहले से ही हमें नापसंद कर रखा है। हमने जो कहा राजकुमारी को कहा, वो दासी क्यों भड़क गई? क्योंकि आप जिसे दासी कह रहे हैं दासी नहीं है, वो वही यहाँ की राजकुमारी है।
क्या हम असली राजकुमारी से कुछ देर बात कर सकते हैं? उसकी गलती नहीं है, मेरे बोलने पर ही उसने ये सब किया। आपने अपने दिल में मेरे लिए गलत सोच बना रखी है, इसलिए शायद आप मुझसे नाराज हैं। मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो। मुझे चैन से रहना है, आजादी में सांस लेनी है। पूरा दिन महल के एक बंद कमरे में कुछ सखियों के साथ रहना पड़े तो मेरा दम घुट जाएगा। मुझे कुदरत के साथ रहना है। अजीब बात तो यह है कि जो आपकी इच्छा है वो मेरी भी इच्छा है। अच्छी बात है, अगर मैं यहाँ से भाग गई तो दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको महल की याद आ रही है? चीन लौटना है क्या? ये बात नहीं है, बल्कि मैं वहाँ दोबारा नहीं लौटना चाहती। मुझे वहाँ किले में रहना पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं तो हम फिर चीन का जिक्र नहीं करेंगे। दिल जीतने के लिए झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, हम आपसे सच कहें तो अपने पिताजी की बात टाल नहीं सकते। हमारी आजादी छिन जाएगी ये सोचकर हम कितनी रातों से सो नहीं पाए, पर आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे विशाल महल के बंद पिंजरे की जानवर बन जाऊं मैं अपनी सारी जिंदगी एक गुड़िया की तरह बिताऊं। जहां हमारी इच्छा होगी वहां जाएंगे, आपकी इस इच्छा को रोकने वाला हमारे देश में कोई नहीं होगा। जो मन में आएगा वो करेंगे, किसी का दबाव नहीं होगा हम पे। अपनी बातों से कभी मत मुकरना। जल्दी सब लोग इधर आओ, इस लड़के को देखो, इसके साथ तुम्हारे नहीं खेलता है। वो इसलिए कि जब से ये यहाँ आया है मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। ए, मेरी बात सुन, चल भाग यहाँ से, मेरे बच्चों के साथ खेलने की हिम्मत मत करना। क्यों रो रहा है मारन? लड़के ऐसे नहीं रोया करते। और क्या बात हो गई जो तू रो रहा है? मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा माँ। तो क्या हुआ बेटा? दिन और समय बीतने के साथ ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारा आसमान एक साथ हो जाएगा और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने मारे जाएंगे। सारे आसमान एक साथ हो जाएंगे तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने। रक्षक उठिए, उठिए। क्या हुआ? चलिए और देखिए क्या हो रहा है। इतनी सुबह सुबह मुझे उठाने की क्या जरूरत थी? मैं जा रहा हूँ फिर से सोने के लिए। सुबह नहीं हुई, दोपहर हो गई है। ऊपर आओ, आकर देखो यहाँ क्या चल रहा है। मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे भी नहीं लगा था कि ये सब होगा। ये सारे लोग तो समुद्री लुटेरे हैं, ऐसा लगता है पूरी तैयारी के साथ आए हैं। या फिर शायद मेरा अंदाजा सही है, ये शक्तिशाली गरुड़ है। ये बिल्कुल अलग तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। ये तांत्रिक विद्या के सहारे हमें बिजली द्वारा बेहोश कर देंगे। मंत्र से भरे लोग हैं ये। सैनिकों तैयार हो जाओ, अब अपनी जगह पर तैनात हो जाओ। राजकुमारी की सुरक्षा करो। हमारे राजकुमार कहाँ गए हैं?
राजकुमारी। मार्कस, जिनके सर पर सुनहरे बाल हैं वो मेरे राजकुमार है, देखा है उन्हें? नहीं। दर्द हो रहा है क्या? अब दर्द नहीं होगा। हो रही राजकुमारी, जाओ उसे ले आओ। क्यों हम लोगों को मार रहे हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? मारन, अपने पीछे देखो, ये लो। राजकुमारी,
दिन और समय बीतने के साथ ही तुझे समझ में आ जाएगा, सारा आसमान एक साथ हो जाएगा और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने मारे जाएंगे। मारन, मारन, तुम आवाज किए बिना यहां पर बैठ जाओ और जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाती तुम हिलना मत, ठीक है? ऐसा तो होना ही था। पर आपको इस बारे में कैसे पता चला? मेरे मन में इस वक्त जो बात आई मैंने बता दी। अगर हमें कोई बचाएगा तो वो सिर्फ यही महावंश है। मैं अभी कहाँ हूँ? हिलना मत, ऐसे ही पड़े रहो, नहीं तो घाव बड़ा हो जाएगा और खून बहने लगेगा। आप कौन हैं? मैं दरअसल इस गांव का मुखिया हूँ, मुझे खुशन कहकर बुलाते हैं। यह है मेरी गोद ली हुई बेटी यमया। मैं यहां कैसे आया? जिस चीज का होना तय था वो अच्छी तरह से हो गया और जो अभी होना बाकी है वो भी अच्छे से ही होगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। खुले बादलों का बहना बंद हो जाएगा, बंद किले खुल जाएंगे। सच? क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जो लोग इंसानियत नहीं जानते उन्हें मुझे नाम से पुकारने का कोई हक नहीं है। बकवास बंद करो। गरुड़ योद्धाओं के साथ कैसे बात की जाती है तुम्हारे देश के लोगों ने तुम्हें नहीं सिखाया क्या? मेरी राजकुमारी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? कमजोरों पर ताकत दिखाना कोई बहादुरी का काम नहीं। क्यों काली, इन लोगों को इतनी मुसीबत झेल कर यहाँ क्यों उठा कर लाए हैं? इनसे क्या इस घर को सजाने का इरादा है? जानते हो ना, सब्र का फल मीठा होता है। ये बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी है, चीन की राजकुमारी है। इसके बाप के पास बहुत बड़ी सेना है। इसके जिस्म से लेकर रूह तक को मैं नापाक कर दूंगा। इससे बड़ी बेइज्जती इसके बाप के लिए तो हो ही नहीं सकती। हमारी मांग चीन तक पहुंच चुकी है। कामवीरा, राजकुमारी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारी मांग पूरी ना हो राजकुमारी को एक खरोंच तक नहीं आएगी, ऐसा मैंने जुबान दिया है। उन्हें गरुड़ों को 1000 पेटी सोना देना है, 1000 पेटी, पूर्णिमा के पहले, 2 पूर्णिमा के पहले। एक 1000 पेटी सोना? हाँ। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तू अपनी प्यास कहीं और जाके बुझा ले। क्या तू 2 पूर्णिमा तक इंतजार नहीं कर सकता? चीन के राजा ने बोला है कि वो गरुड़ लोगों को बहुत इज्जत देगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं समुद्र का राजा हो जाऊंगा। मेरी मां की पुण्य की वजह से मैं बच गया हूँ। आपने मेरी इतनी देखभाल की उसके लिए धन्यवाद। तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे यहाँ से जल्द निकल जाओगे। ये मत भूलो कि तुम्हारे घाव को भरने में अभी वक्त लगेगा। मारन, अगर मैं अभी भी यहाँ से चला जाऊँ तो अपने दुश्मनों को खत्म कर सकता हूँ। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे दुश्मन बहुत शक्तिशाली हैं। तुम्हें अभी और आराम की जरूरत है। राजकुमार मेरी सुरक्षा में थे पर मैंने राजकुमार को खो दिया।
उनके मरने का कारण मैं ही हूं। उन गरुड़ लोगों ने उन्हें मार दिया होगा। अब मैं किसी काम के लायक नहीं हूं और मैंने जो कसम खाई थी वो निभाने में असमर्थ रहा। मैं किस तरह का इंसान हूं मुझे नहीं पता। बहुत से लोगों ने मुझे मारना चाहा। मेरे सारे के सारे जहाज डूब गए। जिस पर भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मेरी वजह से राजकुमार भी मर गए। अब आप ही बताइए मेरे जीवित रहने का क्या मतलब है। अब तो मेरी आत्मा अंदर के अंदर मुझे कोसती रहेगी। तुम्हें शर्म आ रही है तो अच्छा होगा तुम इस गांव को अपना लो और हमेशा के लिए यहीं बस जाओ। हमारी मृत्यु भी इसी पृथ्वी पर होती है। हम पानी के सहारे जीते हैं। आखिरी दम तक कुछ नहीं लेकर जाते और मिट्टी में मिल जाते हैं। जब तक अपनी जान है ये तलवार तुम्हें बचाएगी। एक विशेष जादू का इस्तेमाल करके मैंने इस तलवार को अपने राजा के लिए बनाया। ये विदेशियों पर भरोसा नहीं करती है। करुण लोगों ने इसके परिवार पर बहुत अत्याचार किए हैं। आपने मुझे बचाया लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे भला क्यों नाराज होने लगी? मेरे पिताजी बेकार में तुम पे भरोसा कर रहे हैं। तुम्हें विदेश का कोई राजा समझ रहे हैं। तुम हमारे देश को बचा लोगे और हमारी तकलीफों को खत्म कर दोगे। ऐसी गलतफहमी उनको हो गई है। तुमने मुझे अब तक समझाई नहीं और मेरे बोलने पर भरोसा भी नहीं करोगी। किसी और का गुस्सा तुम मुझ पर उतर रही हो। इस देश के लोगों में एकता नहीं है। वो एक दूसरे को मारकर किसी कीमत पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। इस देश के लोग यहाँ का भला छोड़कर दूसरे देश के राजा बनना चाहते हैं। मेरे पिताजी को इस देश का भविष्य क्या है वो जानना था और इसके लिए वो 7 दिन 7 रात तक झरने के नीचे बैठे हुए थे। फिर उन्हें पता चला कि हमारे देश को एक राजा बचाएगा, इसलिए वो तुम पर भरोसा कर रहे हैं। पर तुम तो बाकी लोगों की तरह साधारण हो, क्योंकि तुम पहले से हारे हुए हो। हारा हुआ आदमी किसे कह रही हो? तुमने अभी जो बात बोली है, तुम्हें भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन तुमने जो कहा वो सच है। घाव ठीक होते मैं यहां से चला जाऊंगा। अगर इस देशवासियों को कोई तकलीफ है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। एक जहाज मिल जाए तो मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम जाने का निश्चय कर चुके हो? तो यहां क्या खड़े हो? ये लो तुम्हारा सामान। उठाओ इसे और निकल जाओ। निकल जाओ, जाओ यहां से, जाओ, जाओ, छोड़ो, छोड़। सारी खुशियां खत्म हो गई। जो भी सपने देखे थे वो सभी डूब गए। अब
राजकुमारी आई थी मंगेतर बनने के लिए, लेकिन गरुड़ों के चंगुल में फंस गई। एक बहुत ही डरावनी जगह पर इसे कैद कर लिया गया। हो सकता है कि इनकी जान भी चली जाए। बोलो। यमया के गले पर वो दाग कैसा? दाग? इस देश के हर किसी के गले पर तुम्हें ये दाग नजर आएगा। तुमने तो अभी सिर्फ उस लड़की के गले में वो दाग देखा, पर यहाँ हर किसी के दिल में वो दाग लगा हुआ है। उसे कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। कोई तो होगा जो इनके ऊपर लगी बंदिशों को आकर तोड़ेगा, यही सोचकर बैठे हुए हैं ये लोग। आप जो बता रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया उन्हीं गरुड़ों ने इन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। वे आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, लेकिन इस गांव का सर्वनाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। जिस गुरु के पास मैं शिक्षा ग्रहण करता था उसी के पास गरुड़ का मुखिया काली भी पड़ता था। गुरुजी ने ऐसी ताबीज बनवाई थी जिससे दुनिया की कोई भी ताकत या हथियार उसे मार न सके। ताबीज पहनकर उसने तलवार से वार करने को कहा। उसे घाव तो हुआ लेकिन ताबीज के कारण वो ठीक हो गया। काली की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वो मुखिया बनना चाहता था, इसलिए उसने वो ताबीज गुरुजी से मांगी। लेकिन गुरुजी जानते थे कि वो इंसान लालची है, इसलिए गुरुजी ने उसे वो ताबीज नहीं दी। काली बहुत क्रोधित हो गया। एक दिन उसने बिना बताए उनके कमरे में जाकर उन्हें मारकर वो ताबीज हासिल कर ली। उसके बाद उसने अपनी एक सेना खड़ी कर ली, इस देश के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। पूरे गांव वालों को उसने मौत के घाट उतार डाला। पूरा गांव उससे अपनी रक्षा करने के बारे में सोच रहा था। उस समय जया नाम की एक लड़की ने उन लोगों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अलेक्जेंडर के खानदान से आई हुई ये लड़की उनके सामने बिना डर के खड़ी हो गई। उसके पिता किसी दूसरे युद्ध में चले गए थे और उसे अकेले ही उससे लड़ना पड़ा। ताबीज के कारण काली की शक्ति दुगुनी बढ़ गई थी, इस कारण जया नाम की वो लड़की मारी गई। जया, वो तो मेरी मां का भी नाम था। तो फिर तुम्हें अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो तुम्हें यहां ले आई। समुद्री लुटेरे बनने के बाद करुण लोग हर पूर्णिमा को यहां पर आते, पूरे गांव में तबाही मचाते और बहु बेटियों की इज्जत लूट कर चले जाते। ऐसे में एक बार काली का शिष्य काम विरन वहां आया। उसने यमिया को देखा और उसके झोपड़े में घुसकर उसकी इज्जत लूट ली। मैं और उसके पिता ने मिलकर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहे और हम हार गए। ये सिर्फ लड़कियों की बेइज्जती नहीं थी, यह हम सबकी बेइज्जती थी। हम खून के घूंट पी करके जी रहे हैं। तो फिर उन दुष्ट गरुड़ों को मारने का कोई भी उपाय नहीं है? आप तो भविष्य देख सकते हो, उससे कोई मदद नहीं मिल सकती? मैं भविष्य देख सकता हूं। तुम्हें ये बात यमिया ने बता दी है क्या? हाँ, 7 दिन और 7 रातें हैं, आप झरने के नीचे बैठे थे उसने बताया। अब मुझसे कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मेरी भविष्य की दृष्टि मुझे यह बताती है कि हमारी मदद के लिए एक शक्तिशाली महावंशम आएगा।
और मेरी भविष्य की दृष्टि कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती है, इस बात का मुझे पूरी तरह से यकीन है। और वैसा ही हुआ। लड़ाई खत्म होने के बाद हम सभी लोगों के बीच में आखिर तुम पहुंच ही गए। जो आपने सपने में देखा वो गलत भी तो हो सकता है। ऐसा है तो ये काम करने की हैसियत नहीं है मेरी। वैसे भी मैं कोई विदेशी नहीं हूं, इसी गांव का रहने वाला हूं। बचपन से मैं यहीं पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं। जैसे जैसे पल बीतेगा, समय बीतेगा, दिन बीतेंगे, तुम्हें मेरी सारी बातें समझ में आने लगेंगी। आपने अभी क्या कहा? ये मां मुझसे कहा करती थी, लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता है। ये बात भी मुझे अपनी भविष्य दृष्टि की वजह से दिखी। ये मेरे लिए एक वचन की तरह है। यदि हम दोनों देश लड़ने के लिए एक साथ हो जाएं, तो फिर गरुड़ों को खत्म करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये जानने के बाद भी अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। आगे क्या करना है बताइए, मैं करूंगा। मैं पूरे गरुड़ों को साफ कर दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। वक्त आ चला था, युद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी। गांव के अंदर जो भी शक्तिशाली थे वो एक दूसरे का सामना करने वाले थे। इनमें से जो भी जीतेगा उसे राजा माना जाएगा। इन सब में पहला था वीर वेलन। अपनी शक्ति से ये पहाड़ के भी टुकड़े टुकड़े कर देता था, लेकिन मारन ने अपनी शक्ति से इसे काबू में कर लिया। दूसरी तरफ इंतजार कर रहा था मारन कि यम्या के दिल में वो किसी भी तरह से प्यार को जगा सके। दिन बीतते गए, धीरे धीरे यम्या के दिल में उसके लिए प्यार जग ही गया। स्थिति आ गई थी कि दूसरे गांव के वीर लक्ष्मण से मारन की लड़ाई हो। लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो वीर था, शक्तिशाली था, और जो भी उसके सामने आता वो अपनी क्षमता को पहचानने के बाद ही आता। मारन ने उसे जीतने की हर चेष्टा की और फिर उसे जीतकर अपना चेला बना लिया। आज से मारन ही इस गांव का राजा है, ऐसा मान लिया गया। अब तक इस गांव में कोई राजा नहीं था, यहां कोई शासन नहीं था। अब से यहां का शासक है मारन महावंश, जो करोड़ों को जड़ से साफ करने के लिए आया है। साथ ही साथ वो यम्या के अंदर खुशियों की किरण को भी प्रवाहित करना चाहता है। अपने पूरे सैनिकों को साथ लेकर उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जिस लक्ष्मण को उसने हराया था उसे उसने अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। करुणों की वजह से बिखरा हुआ ये गांव एक शक्तिशाली छत्र छाया के नीचे फिर से एक हो गया। तुम सब इतना आराम से काम क्यों कर रहे हो? ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होने वाला है, इसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। सारा काम तो अच्छा चल रहा है ना चाचा जी? बस दो दिनों में सारा काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद अपने रहने के लिए एक छोटा सा झोपड़ा बनाना होगा मारन। देखो कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। हाँ।
सेनापति जी, आपको दोबारा यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लगा था कि बाकियों के साथ आपको भी मार दिया गया होगा। वो राजकुमारी को उठा ले गए और मैं रास्ता भटक गया। मुझे लगा था कि औरों के साथ साथ उन्होंने आपको भी मार दिया। पहले तो आप मुझे माफ कर दीजिए। गरुड़ों के साथ जब आप लड़ाई लड़ रहे थे तब मैं आपकी मदद नहीं कर सका। करता भी क्या, सब कुछ इतना अचानक से हो गया। दुश्मनों ने अपने संदेश के साथ जिस दूत को भेजा है वह यही है। अभी राजकुमारी का क्या हाल है? वो जीवित तो है ना? हाँ, जीवित है, लेकिन वह एक पूर्णिमा तक रह पाएगी। गोवा में जो रोमन सेना रुक गई थी उन्हें भी हमने यहाँ बुला लिया है, लेकिन उन्हें आने में थोड़ी देर होगी, तब तक मैं नहीं रुक सकता। इसलिए हमें आपकी जरूरत है, आप अपनी सेना के साथ चलिए। ये मेरी सेना नहीं है, ये सब मेरे परिवार वाले हैं। गरुड़ों से सामना करने का मनोबल बना लिया है हमने। जीत हमारी ही हो इसके लिए ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। अब उन लोगों को हमसे शिकस्त खाने से कोई नहीं रोक सकता। मांग अगर पूर्णिमा तक पूरी नहीं की गई तो वो हमारी राजकुमारी के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। और ये बात ना भूलें कि उनको बचाना कहीं न कहीं आपका भी फर्ज है। हमने भी बड़ी मशक्कत से एक जान बचाई है। आप उनको देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। राजकुमार, राजकुमार, मैं माफी के लायक नहीं हूं। मारन, गलती करता है वो माफी मांगता है, और एक राजा जब एक राजकुमार के सामने सर झुकाएगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हम हमेशा से तुम्हें अपना भाई बनाना चाहते थे, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। मार्कस, समुद्र के किनारे हमें ये बेहोश पड़े हुए मिले थे। लड़ाई की ताकत और मजबूत होते जा रही है। आप भी अगर हमारा साथ देंगे तो हम समुद्र के दुश्मनों की लाशें बिछा देंगे। चंद वीर तो मैं नहीं दे सकता, बल्कि मेरे सारे लोग इस युद्ध में मेरे साथ लड़ेंगे। मेरे देशवासियों को स्वतंत्र करने के लिए गरुड़ों के पंखों को मैं काट के रख दूंगा। हाँ। इसके लिए केवल तुम्हारे जहाज काफी नहीं है। हो सकता है दुश्मन की ताकत ज्यादा हो, इसलिए मेरे भी जहाजों की जरूरत पड़ेगी। जहाज में जो भी काम की चीज है वो ले लो। सेनापति जी, सिर्फ ये जहाज का सामान ही नहीं बल्कि ये पूरा जहाज ही हमारे काम का। गरुड़ लोग पीछे से ही आक्रमण करते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह नहीं, इस बार कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोच लेंगे, बस थोड़ा नसीब हमारा साथ दे दे। खुशबू, ओह, ये शायद राजकुमारी के बदन की ही खुशबू होगी। हमारी राजकुमारी जी मोगरा के पानी में नहाती है। वैसे जिस तरह तुम सोच रहे हो ये कोई साधारण जहाज नहीं है, यह हमारी राजकुमारी के कपड़े ले जाने वाला जहाज है। कपड़ों के लिए इतना बड़ा जहाज, बहुत ही ऐश वाली जिंदगी है। सिर्फ कपड़े के लिए 3 जहाज हैं। हमारे राजा ने इन्हें भेंट में दिया था। हमारी राजकुमारी की तरह हमारे राज्य में किसी के पास भी इतना बड़ा दिल नहीं है। वो हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती है। अभी भी मुझे याद है बचपन से ही वो। मारन, मुझे गलत मत समझिए, इसके अंदर क्या है ये जानने के लिए मैंने इसे तोड़ा। हमारे इस जहाज में ऐसे कितने आईने हैं? लगभग 1000, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? समय आने पर पता चल जाएगा। ये सारे आईने मुझे चाहिए, अब ये बहुत काम में आने वाले हैं। इन आईनों से तुम क्या करने का सोच रहे हो? दुश्मन कैसे हैं और क्या कर सकते हैं ये चित्र हमें बताएगा। ओम रिम क्लिम स्वाहा, ओम रिम क्लिम आह, ओम रिम क्लिम स्वाहा, ओम रिम क्लिम ओम हा 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 हा
हमारा सर्वनाश करने के लिए वो निकल चुके हैं। हम गरुड़ योद्धा हैं, हमारा सर्वनाश कौन करेगा? उस देश की आम जनता, दोनों देशों ने मिलकर एक राजा को चुना है। उस बुड्ढे का भविष्य सच हो जाएगा ऐसा लग रहा है। इस देश के लोग गरुड़ योद्धाओं को मारेंगे? मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक चीटी जंगली हाथी को मारेगा? मुझे जहां तक लगता है उनकी तादाद 100 की है, और उनमें भी ज्यादातर मामूली किसान है। हमें यह लड़ाई किसी भी तरह जीतनी ही होगी, तभी हम लोगों को यह समुद्र मिलेगा। मुझे कुछ डर सा लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम डर क्यों? बहुत ऊंचाई है, गिरेंगे तो चोट लगेगी, ठीक होने के लिए देर लगेगी। हमारी जगह पे उन्होंने कदम भी रखा तो समुद्र का रंग लाल करने से नहीं चुकेंगे। उनके यहाँ आने से पहले तू जा और जाकर उनको खत्म कर दे। मैं उन लोगों के साथ समुद्र में जाकर लड़ाई करूंगा और तुम यहाँ राजकुमारी के साथ अय्याशी करोगे? क्यों काली, सच्चाई कड़वी लगी ना? कामवीरन, जो शक्ति तुझे मिली है उसका कारण तेरे गले में पड़ी हुई ताबीज है, और ये ताबीज तुझे मेरे कारण ही मिली है। तू इसे किसी भी हाल में नहीं बचा पाया तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा, इस बात को मत भूलना। दुश्मन यहां पहुंच जाए तो मुझे संदेश देना, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। राजकुमारी को देखकर आता हूं। कामवीरन, पहले युद्ध की तैयारी कर। चाचा जी, दुश्मनों को हम देख लेंगे, आप क्यों आ रहे हैं? ये युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध से कम नहीं है मारन। इस युद्ध में मैं काली की मौत देखना चाहता हूं। उसकी मौत तो निश्चित है, लेकिन कृपा करके आप मत आइए। यमया को सुरक्षा चाहिए, यहां के लोगों को आपकी जरूरत है। इस लड़ाई में हम लोगों का क्या अंजाम होगा यह तो हमें भी नहीं पता। यमया, ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम वापस ना आए। अगर ऐसा कोई वक्त आया तो आप लोग हमारी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। तुम यहां से जाओ, तुम्हें अपनी मां के लिए यह लड़ाई जीतनी जरूरी है। आप लोगों की भी मुझे जरूरत है। आप पर आया हुआ खतरा मैं अपने ऊपर झेल लूंगा। नहीं, ये लो, जब तक ये शक्तिशाली तलवार तुम्हारे हाथ में है, काली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तुम याद रखना, और उस कामवीरन को भी तुम मत छोड़ना, उसे मार डालना। जिन औरतों को उसने बंदी बना रखा है उनको आजाद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। Thank you.
सबका भरोसा जीतूंगा और मैं जीत कर ही वापस आऊंगा। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हमारा राजा एक शूरवीर है, जीत आपकी होगी। मुझे पूरा विश्वास है आप पर। राजकुमारी जी, मैं उस शैतान का रहस्य जान गई हूँ। किसका रहस्य? ये क्या कह रही हो? वही जिसने हमारा अपहरण किया, कामवीरन की बात कर रही हूँ। उसके अमर होने की वजह उसका तावीज है जो उसने गले में पहन रखा है। अगर हम वो किसी तरह हासिल कर ले तो उसे आसानी से पराजित कर सकते हैं। लगता है वो आ गया, मैं छुप जाती हूँ। मेरे आने का तुम्हें आगाज था, तुम अभी तक सोई नहीं। बिना कारण तो तुम यहाँ आओगे नहीं। तुम्हारी आंखें ये बयां कर रही हैं कि तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है। ईश्वर ने तुम्हें फूल जैसा मासूम बनाया है, उसी फूल की खुशबू अपने में समाने आया हूँ। मेरी सांसों से वो खुशबू बच नहीं सकती। अब और वक्त बर्बाद मत करो, मेरी बेचैनी को मिटा दो। मुझे पता था तुम अपनी बेचैनी को मिटाने ही यहाँ आए हो। जब तक चीन से संदेशा नहीं आता तुम मेरी ही रहोगी, इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। एक वो चांद है जिसे चाहकर भी नहीं पा सकता, और एक ये चांद है जिसे पा तो चुका हूं मगर चाह नहीं सकता। वैसे बातें तो तुम दिल को लुभाने वाली करते हो। किसी ने आज तक मेरे इतने करीब आने की हिम्मत नहीं की, क्यों ना इस पल को समंदर के किनारे जाकर और भी हसीन बनाए। वक्त की बेड़ियों ने हमें बांध कर रखा है रानी साहिबा, बस एक बार तुम हाँ कह दो, उसके बाद हवा भी तुम्हें छूने से पहले मेरी इजाजत लेगी। तुम दिखने में बड़े जिद्दी हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मुझे ये अंदाजा हो गया है कि मुझे देखते ही तुमने बहुत सारे सपने सजा लिए होंगे। कब से इसका इंतजार था। दो, मेरी बात सुनो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई परेशान न कर सके। इस पल को नहीं जाने दे सकता, कल का इंतजार नहीं होता मुझसे। शुक्र है, लेकिन वो मुझसे बच नहीं पाया। इसे और थोड़ा आगे रख दो। ये क्या लेके जा रहे हो मारन? इसके अंदर क्या है ये देखना चाहते थे ना? हाँ बिल्कुल, चित्र है। आर्कमिडीस ने इसे बनाया है। आर्कमिडीस वो गणित गुरु? इसे साथ रखने की क्या वजह है? जब मुझे पता चलेगा तब बता दूंगा। तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं, इस चित्र में ऐसा दिया गया है कि उन लोगों के सामने आईना दिखाना। ऐसा क्यों करेंगे?
उन लोगों का सर्वनाश जो करना है, मैं जो सोच रहा हूँ वो होगा तो अच्छा होगा। हम लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। मिलेगा पर तुम्हें यकीन नहीं है। तुम अंदर जाकर सो जाओ, तुम्हारे सेनापति ने अब तक अपनी आधी नींद तो पूरी कर ली होगी। क्या मैं सो जाऊं, वो भी ऐसे अहम वक्त पर? तुम एक जहाज लेकर उन हजारों लोगों से लड़ने जा रहे हो और हम ऐसे हाल में सो जाएं? एक सेनापति को तो सोते वक्त भी जागरूक रहना पड़ता है। हाँ, हमें नींद नहीं आने वाली है जब तक हम अपनी राजकुमारी को वापस नहीं ले आते। तुम्हारे पास ज्यादा अनुभव नहीं है, रोमन से पहले हजारों सालों से चीन लड़ते हुए आ रहे हैं और वो बहुत माहिर हैं। आराम के बिना तो युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है। और समय बीत जाने दो, दुश्मन के करीब हम लोग पहुंच ही गए हैं। उन गरुड़ों का सर्वनाश करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हो गए हैं। वो लोग भी पूरे भरोसे के साथ आ रहे हैं, लेकिन यही उनकी आखिरी समुद्र यात्रा होगी। यहां पर मौत होना तो तय है, लेकिन मौत उनकी होनी चाहिए। सुबह लड़ाई शुरू होगी, भलाई इसी में है कि तुम थोड़ा आराम कर लो। मुझे तुम्हारी पूरी ताकत की जरूरत है, क्योंकि यह लड़ाई किसी भी हाल में हमें जीतनी है। सुबह होते ही पता चल जाएगा आर्कमिडीज सच है या शक्ति है या कोई काला जादू है। चैन से सो जाओ राजकुमार, हमें ताकत चाहिए। सब लोग अपनी अपनी जगह ले लो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये तो जादू, ये जादू नहीं विज्ञान है। वो तो जल के राख हो रहे हैं। आर्किमिडीज का आविष्कार हमें ये जंग जिताएगा। अब हजार तो क्या लाख भी आ गए तो हम उन्हें मात दे सकते हैं। जब तक सूरज की किरणें रहेंगी तब तक ही ये काम करेगा, इसलिए ऐसा मत सोच लेना कि हम अभी जीत गए। Yeah.
अपने सामने आए दुश्मन के सभी लोगों को तो हमने मार दिया, लेकिन जो समुद्र के किनारे खड़े हैं उनका हम क्या करेंगे? अगर उन्होंने हमला कर दिया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब तो कोई चमत्कार ही हमें जिता सकता है मारन। मेरे देशवासियों और मेरे दोस्तों, बहुत सालों तक आप लोगों ने बहुत सी तकलीफें सही हैं। आपके परिवार के लोगों को भी मार दिया गया। गरुड़ लोगों ने ही हमारा सुख और चैन लूट लिया। आप सबकी जो इतनी बर्बादी हुई है तो उसका बदला लेने का समय अब आ गया है। मैं आप सबका राजा बनकर बहुत खुश हूं और आज मैं आपके साथ मिलकर यह जंग लड़ूंगा और आपका साथ दूंगा। दुश्मनों को अपनी एकता दिखाने का समय आ चुका है। धैर्य से सब लड़ेंगे। उन्होंने हमारी भूमि का बहुत सर्वनाश किया है और हमारे राज्य के औरतों की इज्जत भी लूटी। उनका तो हम सर्वनाश कर देंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। कई लोग अपने घर वालों को देख नहीं पाए। सिर्फ आप लोग नहीं, मेरी भी इस युद्ध में मौत हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि अपना पूरा देश मिट्टी में मिल जाए, लेकिन हम किसी के गुलाम तो नहीं रह सकते ना। दोस्तों, हमारी मौत होने से पहले हम गरुड़ों को अपनी ताकत दिखाएंगे और अपनी स्वतंत्रता की जीत हासिल करके रहेंगे। हमारे परिवार के भाई बहन माँ बाप सारे लोग मारे गए थे। इसके बाद यह नहीं होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग एक पूर्ण विराम लगा दें। हाँ, हम लोगों पर पूरा भरोसा करके अपने राजकुमार आए हैं। इनकी शादी कम से कम अच्छी तरह से होनी चाहिए और हम अपने दुश्मनों का सर्वनाश करके रहेंगे। ये हम कर रहे हैं अपने देशवासियों के लिए और गुजरे हुए अपने परिवार वालों के लिए। मेरे देशवासियों पर मुझे पूरा भरोसा है। आप लोग अपने राजा को हारने नहीं देंगे। हम हमारी भूमि को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। अगर इस युद्ध में आपका राजा गुजर जाए तो मेरे बदले में हजारों लोग खड़े होने चाहिए। हमारा एक आदमी मरे तो उनके 100 आदमी मरने चाहिए। हमारी पहली लड़ाई जीत की ही लड़ाई होनी चाहिए। आज हम उन लोगों को अपनी पूरी ताकत का अंदाजा देंगे। उन्हें बता देंगे कि हम लोग हारने वालों में से नहीं है। जीत सिर्फ हमारी ही होगी। जीत हमारी होगी।
जी, ये चीन से आया हुआ बाण है, वो हमें बचाने आए हैं। आइए आइए राजकुमारी जी, उस तरफ। राजकुमारी जी, लगता है हम जीत गए। दुश्मन का कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा है। इन सभी को मारने के बाद ही युद्ध खत्म होगा।
जाओ, उसे मत मारो, रुक जाओ मैंने कहा। मौत मेरे हाथों लिखी है। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मैं आप दोनों की शादी नहीं देख पाया। राजकुमारी जी, मैं आप दोनों को मिलाकर अब जा रहा हूँ। तेरे खत्म होने का समय आ गया है। तेरे कुल में से अब कोई नहीं बचेगा। तू जिस तरह से बोल रहा है मुझे डर लगने लगा है। बहुत बड़ी सेना आ रही है, बहुत बड़ी सेना आ रही है, गरुड़ लोग सावधान हो जाइए, बहुत बड़ी सेना आ रही है। क्या हमले के लिए तैयार हो? हमला करो। Lysias! देशवासियों के दिलों पर बनाए हुए निशान के लिए। मेरे मरने से पहले तू मरेगा। तेरे आत्मविश्वास की मैं दाद देता हूँ। मौत की कगार पर तू खड़ा है तब भी
मुझे धमकी दे रहा है मौत की। तू जीत गया ये मत समझना, मेरी निशानी आखिर तक जिंदा रहेगी। पीछे देखो, हथियार नीचे फेंक दो, नहीं तो तुम्हारे दोस्त का सर नहीं बचेगा। लाइसेंस रुको, रुक जाओ। दिन और समय बीतने के साथ ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, सारा आसमान एक साथ हो जाएगा और तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने मारे जाएंगे। दुश्मन आंखों के सामने, मारे जाएंगे। इस तरह महापापियों का सर्वनाश हो गया। मारन महावंश ने अपने देश के लोगों को आजादी दिला दी और इस तरह से शुरू हुआ उस देश के लोगों के सुनहरे दिन।
This movie is encoded by Dr. Star.